आज हम क्लब सैंडविच बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनती है और अंदर से आलू की टेस्टी स्टफिंग और वेजिटेबल की स्टफिंग करके बनाया जाता है। बाहर जो हम सैंडविच खाते हैं उससे भी बहुत ही बढ़िया सैंडविच हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आइए क्लब सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग स्टूडियो बाय बीजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी आसान तरीके से। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाए ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप कोई भी टेस्टी रेसिपी मिस ना करें। तो पहला लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू लिए हैं। तो आलू को उबाल के उसका छिलका मैंने निकाल दिया है। तो अब हम उसे ग्रेट करेंगे। तो आप चाहो तो आलू को मैश करके भी ले सकते हो। तो 3 आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम उसमें मसाले करेंगे। तो यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, साथ ही में डालेंगे 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक। 1 हरी मिर्च ली है जिसके छोटे छोटे टुकड़े करके लिए हैं, साथ ही में ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मैं कलर के लिए डाल रही हूँ जिससे कलर बढ़िया आएगा, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। साथ ही में ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। 1 टीस्पून जितना नींबू का रस ऐड करेंगे, साथ ही में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला और थोड़े से धनिया पत्ता ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो आलू का मसाला है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो जितना तीखा आपको चाहिए उस हिसाब से आप तीखा बना सकते हो। तो ये चटपटा हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार है। अब हम सब्जियों को कट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं। तो टमाटर के ऊपर का हिस्सा हम निकाल देते हैं। तो टमाटर की इस तरह से हमें पतली पतली स्लाइस करनी है। तो एकदम पतली भी नहीं करनी है, मीडियम थिक रखनी है। देखिए इस तरह की, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा मोटी। तो एक प्लेट में मैंने टमाटर को ले लिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च लिया है। उसे भी हम पतली पतली रिंग में कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से शिमला मिर्च को मैंने कट कर लिया है और उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम निकाल लेते हैं, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो इसे भी एक प्लेट में हम ले लेते हैं। और कैप्सिकम का जो ये हिस्सा होता है उसके हम छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं जिसके भी हम पतली पतली स्लाइस करेंगे। तो दोनों आलू की इस तरह से हमें पतली पतली स्लाइस करनी है। यहाँ पर 2 प्याज ली है, उसे भी हम कट करेंगे। तो पहले हम स्लाइस कर लेते हैं।
तो दोनों प्याज की स्लाइस करके रेडी है। अब इसकी रिंग करेंगे, तो सभी हिस्से को इस तरह से अलग कर लेते हैं। तो प्याज की रिंग बनकर भी तैयार है, आप चाहो तो स्लाइस भी ले सकते हो। तो इसे भी एक प्लेट में ले लेते हैं। तो सब्जी आपको जैसे कट करनी हो वैसे कट कर सकते हो। तो यहाँ पर ट्रायंगल शेप की जो ब्रेड की स्लाइस मिलती है बाजार में वो मैंने ली है, आप चाहो तो स्क्वेयर शेप की भी ले सकते हो। तो उसके ऊपर हम बटर लगाएंगे, तो सारी साइड अच्छी तरह से बटर लगाना है। अब उसके ऊपर हमने जो आलू का मसाला रेडी किया है उसका एक लेयर करेंगे। तो आलू का मसाला है वो अच्छी तरह से हमें लगाना है, एकदम पतला नहीं लगाना है, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से थोड़ी थिक लेयर करनी है और सारी साइड इवनली हमें लगाना है। अब यहाँ पर मैंने एक बीटरूट लिया है जिसे मैंने बॉईल कर लिया है, तो उसे हम ग्रेट करके डालेंगे। तो आप चाहो तो कच्चा बीटरूट भी ले सकते हो, पर कभी कभी कच्चा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने बॉईल करके लिया है। आलू के ऊपर बीटरूट ग्रेट करके डालेंगे तो क्या होगा कि आलू में अच्छे से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी ब्रेड की स्लाइस ली है, उसके ऊपर हम ये ग्रीन चटनी लगा लेते हैं। तो ग्रीन चटनी जो लेंगे हम वो थोड़ी थिक लेनी है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इसके ऊपर हम सब्जियों की लेयर करेंगे। तो पहले आलू की इस तरह से स्लाइस रखेंगे, उसके ऊपर हम टमाटर की स्लाइस रखेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। उसके ऊपर हम कैप्सिकम की इस तरह से रिंग रखेंगे। तो आप चाहो तो बॉईल किया हुआ बीटरूट भी इसके ऊपर रख सकते हो। अब हमने जो ऑनियन की रिंग बनाकर रखी है वो भी इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। और यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ ली है, उसे हम ग्रेट करके इस तरह से डालेंगे। आप चाहो तो दोनों लेयर में भी चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हो। अब उसके ऊपर ब्रेड की स्लाइस रखेंगे, तो पहले हम ब्रेड की स्लाइस के ऊपर बटर लगा लेते हैं और बटर के ऊपर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे जो कि धनिया फुदीना की ग्रीन चटनी है। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। अब हम इसे ग्रिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रिल मशीन लिया है, आप चाहो तो तवे पर भी इसे सेक सकते हो। तो पहले ग्रिल मशीन को अच्छे से बटर लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर हम सैंडविच रखेंगे और ऊपर के लेयर में भी हम बटर लगा लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो ऊपर के लेयर में भी हमें अच्छे से बटर लगाना है, सारी साइड इवनली स्प्रेड करना है। क्रिस्पी होने तक हम सैंडविच को ग्रिल करेंगे। तो देखिए एकदम अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है और कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो इसके ऊपर फिर से हम बटर लगा लेते हैं। तो सैंडविच हमारी ग्रिल होके रेडी है। तो तकरीबन 5 से 8 मिनट ग्रिल होने में लगेंगे। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो अभी मैं 2 हिस्सों में कट कर रही हूँ, आप चाहो तो इसे 4 या 6 टुकड़ों में भी कट कर सकते हो। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। अभी से खाने का मन कर गया ना।
तो देखिए सुपर टेस्टी ये सैंडविच बनकर तैयार हुई है और देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। दोनों साइड से अच्छी तरह से ये ग्रिल भी हो गई है, तो दोनों लेयर अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। क्लब सैंडविच फटाफट बन भी जाती है और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगती और खाने में भी ये बहुत ही बढ़िया डिलीशियस बनकर तैयार होती है। बाहर आप जो सैंडविच खाते हो उससे भी ये बढ़िया टेस्टी घर पर बना सकते हो। घर में ये सुपर टेस्टी क्लब सैंडविच खाकर तो सभी को मज़ा ही आ जाने वाला है। तो आप कब बना रहे हो ये क्लब सैंडविच?